स्टूडेंट्स आज हम लोग ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू रखेंगे बेटा। उन ट्रांजेक्शन के अंदर अगेन फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट अगर हो तो वो हमें बतानी है, और उसके साथ साथ वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है वो हमको बताना है। लिखेंगे स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर वन, ट्रांजेक्शन नंबर वन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश केली द्रुमी, आप दोनों का बेटा वीडियो बंद है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000 कॉमा फर्नीचर रुपीज, कॉमा फर्नीचर रुपीज 20,000 एंड कंप्यूटर रुपीज 10,000 एंड कंप्यूटर रुपीज 10,000। आरसी आपका कैमरा बंद है बेटा, ध्रुमी आपका कैमरा बंद है। सर 2 मिनट सर, वो आज मेरे फोन बैटरी ठीक है। चलो बेटा कैन यू प्लीज रिपीट, स्टार्टेड बिजनेस, फिर से बोल रहा हूं बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000 कॉमा फर्नीचर रुपीज 20,000 एंड कंप्यूटर रुपीज 10,000। चलो आर्ची फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा, आर्ची। यस सर। आर्ची फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर कंप्यूटर, तीन चीजों से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। यस आर्ची, फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा बेटा? सर कैश। ओके, और कैश कौन सा अकाउंट होता है बेटा? सर रियल। अब हमको सेकंड इफेक्ट बताएंगे अभिषेक, अभिषेक सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा। सर फर्नीचर। वेरी गुड, और फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है बेटा? सर पर्सनल। फर्नीचर किसी का, सॉरी सर रियल 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 सर, फर्नीचर किसी का नाम थोड़ी होता है। ऐशा, ऐशा थर्ड इफेक्ट बताइए बेटा। ऐशा। सर कैपिटल। आपने तीन चीजें लाके बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, कैश फर्नीचर एंड कंप्यूटर, तो थर्ड इफेक्ट आएगा कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर किसमें आता है बेटा, पर्सनल रियल के नॉमिनल? सर रियल। रियल, फटाफट निकलना चाहिए बेटा। रुद्र फिफ्थ इफेक्ट, फोर्थ इफेक्ट बताइए बेटा। रुद्र फोर्थ इफेक्ट बताइए बेटा। सर कैपिटल पर्सनल। वेरी गुड, कैपिटल एंड द कैपिटल इज पर्सनल। चलो कंप्लीट करो बेटा फटाफट। सर यस बेटा। सर मैक्सिमम कितने इफेक्ट्स होते हैं पर ट्रांजैक्शन? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है बेटा। बट अपने को क्या होता है बेटा, मैक्सिमम पांच छह इफेक्ट वाले ही आते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो बेटा तो ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है। बेटा ये नोट डाउन हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000। बॉमिक फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा, बॉमिक फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। ध्रुमी आप ट्राई करो बेटा फर्स्ट इफेक्ट। यस सर, फर्स्ट इफेक्ट कैश।
और कैश कौन सा अकाउंट होता है बेटा? रियल नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सर. यस बेटा. सर सेकेंड वाला एक बार रिपीट करो. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000. गुड्स ऑफ रुपीज 20,000. तो फर्स्ट इफेक्ट इज कैश, इट इज रियल. सेकेंड इफेक्ट इज परचेज एंड अगेन इट इज ऑल्सो रियल. नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम राजा स्टोर्स. Purchase goods of rupees 30,000 from Raja stores. Haley, Haley first effect try करिए बेटा. Sir, Raja stores. और Raja stores किस में आता है बेटा? Personal. Very good, personal. चलो हमको second effect बताएंगे. हितांशी, हितांशी सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा. सर परचेज एंड रियल. परचेज एंड इट इज रियल. नेक्स्ट, रिटर्न्ड गुड्स ऑफ रुपीज, रिटर्न्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 to Raja stores. Returned goods of rupees 5,000 to Raja stores. Jennifer, first effect beta. Sir, Raja stores. Okay, and Raja stores kaun sa account hoga beta? Personal. Very good. Okay, and second effect humko batayenge. Krish, Krish Nayak. कृष्णायक सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा. परचेज रिटर्न. ओके, परचेज रिटर्न रियल. वेरी, परचेज रिटर्न रियल. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड रुपीज 25,000 टू राजा स्टोर्स. पेड Rupees 25,000 to Raja stores by check. Paid rupees 25,000 to Raja stores by check. Krish Patel, first effect beta. Krish Patel. Raja stores the personal. Raja stores. लीजा सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा. लीजा बैंक. ओके, और बैंक किस में आता है बेटा? बैंक रियल. वेरी गुड, बैंक इज रियल. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज, सोल्ड goods of rupees 10,000, sold goods of rupees 10,000 by check, by check. Manav, first effect. Manav. Bank real. Bank real. Okay, first effect is bank and it is रियल. सेकंड इफेक्ट हमको बताएंगे मुस्कान. मुस्कान सेकंड इफेक्ट बताइए बेटा. यस सर, सेल रियल. ओके वेरी, सेल्स एंड रियल. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 to
sold goods of rupees 20,000 to mega stores. Sold goods of rupees 20,000 to mega stores. Nitya, first if you try kariye beta. Nitya. Sir, mega stores personal. Very. Mega stores personal. Second effect try karenge Palak. Palak, second effect try kariye beta. Sales real. Sales real. Sale real. Next. Mega stores returned goods of rupees 2000. Mega stores returned goods of rupees 2000. Param, first effect batayenge beta. Param. Sir, mega stores personal. Mega stores personal. Okay, हमको second effect बताएंगे पार्थिश. पार्थिश, second effect बताइए बेटा. Sir, sales return. Very real. Sales return and it is real. Very good. Next. Received rupees 18,000 from. Received rupees 18,000 from mega stores. Received rupees 18,000 from mega stores. Mega stores say 18,000 rupees mila. Sagar, first effect try karenge beta. Sagar. Sagar, first effect try karenge beta. Soumya, aap try kariye beta first effect. Mega stores personal. Mega stores personal. Okay, second effect humko batayenge Shri. Shri, second effect bataiye beta. Yes sir, cash. Okay. Real. Cash real, very good. Cash real. Next, purchase furniture of rupees 5,000 from. Purchase furniture of rupees 5,000 from Chirag Furniture Mart. Chirag Furniture Mart. Purchase furniture of rupees 5,000 from Chirag Furniture Mart. Shrija, first effect beta. Yes, sir. Chirag Furniture Mart personal. Chirag Furniture Mart personal. And second effect batayenge Shriya. Shriya, second effect bataiye. Yes, sir. Furniture. Very good. Real. Furniture. Real. Next. Purchased. Machine of rupees 50,000 by check. Purchased machine of rupees 50,000 by check. Divya, first effect beta. Bank. Very good. Real. Okay. Humko second effect batayenge Tejas. Tejas, second effect bataiye beta.
मशीन ओके और मशीन कौन सा अकाउंट है बेटा रियल मशीन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड ₹50,000 उर्वशी फर्स्ट इफेक्ट बेटा यस सर रिलायंस लिमिटेड पर्स गलत है उर्वशी कैश नहीं सॉरी सर सर शेयर्स है ना तो बैंक आएगा यस कंपलसरी बैंक बैंक रियल बैंक रियल चलो विश्व सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा विश्व यस शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड वेरी गुड और शेयर्स किस में आता है बेटा रियल यस शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड इज रियल चलो मस्त ट्रांजेक्शन देता हूं लिखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों टुक अ लोन ऑफ रुपीज took a loan of rupees 30,000 from took a loan of rupees 30,000 from a friend Naresh took a loan of rupees 30,000 from a friend Naresh से 30,000 रुपीज का लोन लिया यात्री फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा यात्री सर कैश वेरी गुड और कैश कौन सा अकाउंट होगा बेटा रियल नाइस चलो सेकंड इफेक्ट ट्राई करेंगे अभिषेक सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा सर लोन फ्रॉम अ फ्रेंड Yes, loan from Naresh. ऐसा लिखेंगे loan from Naresh. और ये किस में जाएगा बेटा Personal, real के nominal? Sir, real. Personal बेटा Loan किससे लिया Naresh से Naresh इंसान है बेटा तो personal. Okay. Next. Paid interest ₹500. Archie, first effect beta. Archie. Yes, sir. Paid interest ₹500. Very good. Cash. Real. Cash. Real. Okay. Second effect, Isha. Isha, second effect, beta. Sir, interest paid nominal. Very good. Interest paid nominal. Next. Paid salary of rupees 10,000 by check. Paid salary of rupees 10,000 by check. Rudra, first effect, beta. Bank real. Very good. First effect is bank and it is real. Nice. Second effect, try karenge. Drumi. Drumi, second effect, beta. Sir, salary. Okay, and salary kisme aata hai, beta? Personal. नहीं रियल नॉमिनल बेटा एक्सपेंस है सैलरी इज नॉमिनल यस बेटा सर पेड सैलरी नहीं ओनली सैलरी बेटा सैलरी हमेशा बिजनेसमैन पे ही करता है बेटा बिजनेसमैन को कभी सैलरी मिलती नहीं है बेटा
स्टूडेंट्स हम जो अकाउंट्स बनाते हैं बेटा वो बिजनेसमैन के बनाते हैं और बिजनेसमैन हमेशा सैलरी पे करता है, उसको कभी सैलरी मिलती नहीं है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज, रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 2000 बाय चेक, रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 2000 बाय चेक। हेली फर्स्ट इफेक्ट बेटा। सर कैश। रिसीव डिविडेंड ऑफ 2000 बाय चेक है बेटा। बैंक सर। बैंक रियल। बैंक रियल। ओके हेली के बाद सेकेंड इफेक्ट हितांशी। हितांशी सेकेंड इफेक्ट बेटा। यस सर रिसीव डिविडेंड नॉमिनल। वेरी गुड रिसीव्ड डिविडेंड एंड इट इज नॉमिनल। नेक्स्ट पेड वेजेस रुपीज 1000, पेड वेजेस रुपीज 1000। जेनिफर फर्स्ट इफेक्ट बेटा। सर कैश। वेरी गुड और कैश इसमें आएगा रियल। नाइस एंड सेकंड इफेक्ट ट्राई करेंगे कृष्णायक। कृष्णायक नॉमिनल। वेरी गुड वेजेस नॉमिनल। नेक्स्ट पेड पेड ध्यान से आ बेटा पेड रुपीज 3000 एज, पेड रुपीज 3000 एज ऑफिस रेंट एंड 2000 एज हाउसहोल्ड रेंट by check, paid rupees 3000 as office rent and 2000 as household rent by check, dono check se pay kiye hain। Krish Patel first effect beta। bank। bank aur bank kaun sa account hai beta? real। real okay। Lisa second effect beta। लीजा सेकंड इफेक्ट। लीजा वापस बेटा। लीजा सेकंड इफेक्ट बेटा। सर ड्राइंग। हाँ क्योंकि घर का पे किया है तो एक ड्राइंग्स और ड्राइंग्स इसमें आता है बेटा पर्सनल। ओके ड्राइंग्स इज पर्सनल। अभी भी थर्ड इफेक्ट बाकी है बच्चों क्योंकि हमने दो चीजें पे की है बेटा, एक तो घर का रेंट पे किया वो ड्राइंग्स में चला गया, एक ऑफिस का रेंट भी पे किया है। माना थर्ड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। सर ऑफिस रेंट नॉमिनल। ऑफिस रेंट नॉमिनल। स्टूडेंट्स तीनों इफेक्ट क्लियर हो गए बच्चों? यस सर। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड पेड डॉटर्स स्कूल फीस, पेड डॉटर्स स्कूल फीस रुपीज 3000 बाय चेक, रुपीज 3000 बाय चेक। Paid daughter's school fees of rupees 3000 by check। Muskan first effect beta। Sir bank and real। Very good bank and it is real। Nitya second effect beta। Sir school fees drawings। बट हम घर के लिए कुछ भी पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं नित्या? सर ड्राइंग्स।
हाँ और ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट होता है बेटा पर्सनल ड्राइंग्स पर्सनल नेक्स्ट पेड म्युनिसिपल टैक्स पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ रुपीज 2000 एंड इनकम टैक्स रुपीज 1000 बाय चेक पेड म्युनिसिपल टैक्स रुपीज 2000 एंड इनकम टैक्स रुपीज 1000 बाय चेक पलक फर्स्ट इफेक्ट बेटा पलक फर्स्ट इफेक्ट बैंक रियल वेरी गुड बैंक रियल परम सेकंड इफेक्ट बेटा म्युनिसिपल टैक्स नॉमिनल वेरी गुड म्युनिसिपल टैक्स नॉमिनल पार्थिश थर्ड इफेक्ट बेटा सॉरी इनकम टैक्स नहीं इनकम टैक्स की जगह पे क्या लिखते हैं कौन बताएगा स्टूडेंट्स सर ड्राइंग्स यस इनकम टैक्स मतलब हमारी पर्सनल इनकम का टैक्स तो पर्सनल इज ऑलवेज ड्राइंग्स बेटा एंड ड्राइंग्स इज अवर पर्सनल अकाउंट ओके सर नो प्रॉब्लम बेटा गलतियों से ही हम सीखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डोनेटेड रुपीज 1000 इन टेम्पल डोनेटेड रुपीज 1000 इन टेम्पल सागर फर्स्ट इफेक्ट बेटा सागर सर कैश वेरी गुड और कैश किसमें आता है बेटा रियल सेकेंड इफेक्ट हमको बताएंगे सौम्य सौम्य सेकेंड इफेक्ट बेटा सौम्य सेकेंड इफेक्ट बेटा श्री आप ट्राई करिए बेटा सेकेंड इफेक्ट सर डोनेटेड कैश इन टेम्पल तो सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा सर नॉमिनल पर क्या नॉमिनल तो ठीक है लेकिन क्या नाम तो लिखना पड़ेगा ना बेटा इफेक्ट टेम्पल डोनेशन यस डोनेशन एक्सपेंस एंड डोनेशन एक्सपेंसेस नॉमिनल नेक्स्ट डोनेटेड गुड्स ऑफ रुपीज 2000 इन ऑर्फेनेज डोनेटेड गुड्स ऑफ रुपीज 2000 इन ऑर्फेनेज ऑर्फेनेज मतलब अनाथ आश्रम 2000 के गुड्स दिए अनाथ आश्रम में श्रीजा श्रीजा फर्स्ट इफेक्ट बेटा कैश रियल क्यों कैश गुड्स दिए बेटा डोनेटेड गुड्स रुपीज 2000 इन ऑर्फेनेज है 2000 की गुड्स दी है बेटा और जब गुड्स देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको श्रीजा क्या लिखते हैं जब गुड्स देते हैं तो श्रीजा भूल गई डोनेशन नहीं बच्चों गुड्स दिए तो क्या लिखेंगे परचेज परचेज श्रीजा याद आया बेटा यस सर ओके और परचेज किसमें आता है श्रीजा Purchase real. Okay, real. Shriya, second effect bataiye beta. Shriya. Yes, sir. Donation expense nominal. Yes. Donation expense nominal. Sir. Yes, beta. सर इधर हमने गुड्स दिए फिर भी डोनेशन एक्सपेंस ही लिखेंगे या फिर डोनेशन गुड्स नहीं लिखते डोनेशन एक्सपेंस ही है बेटा अगर आप उन गुड्स को डोनेट नहीं करते तो आप उसको बेचते तो पैसा आता इंस्टेड आपने उनको दान में दिया बेटा तो दान इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस ओके बेटा ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये मस्ट ट्रांजेक्शन है बेटा
gave goods of rupees 1000 as sample. Gave goods of rupees 1000 as sample. 1000 की गुड सैंपल में दिए. दिव्य फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा. दिव्य फर्स्ट इफेक्ट ओके. फर्स्ट इफेक्ट परचेज, क्योंकि गुड्स हम लोगों ने सैंपल में दिए तो परचेज कौन सा अकाउंट होता है दिव्य? रियल. तेजस सेकेंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा. तेजस सेकेंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा. सर सैंपल नहीं. किसी को याद है बेटा? सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. क्यों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस स्टूडेंट्स? सैंपल में दिए नहीं. हम किसी को सैंपल में क्यों देंगे बेटा? हमारी मार्केटिंग करने के लिए, हमारी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. तो सेकेंड इफेक्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. तेजस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किस में आता है बेटा? पर्सनल रियल के नॉमिनल? नॉमिनल. नेक्स्ट मस्ट ट्रांजेक्शन है. मेबी आज पूरे चैप्टर की ट्रांजेक्शन करा दे रहा हूं मैं आप लोगों को बेटा. तो अपन डायरेक्टली परसों नए टॉपिक पे चलेंगे. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विड्रीव गुड्स ऑफ रुपीज 500 फॉर पर्सनल यूज. विड्रीव गुड्स ऑफ रुपीज 500 फॉर पर्सनल यूज. 500 रुपए के गुड्स घर पे लेके गए. उर्वशी फर्स्ट इफेक्ट बेटा. यस सर कैश रियल. क्यों कैश? विड्रीव गुड्स. सॉरी सर आज उर्वशी ने चाय नहीं पी है ना उर्वशी? परचेस किस में आएगा उर्वशी? रियल में आएगा सर. हाँ आज उर्वशी ने चाय नहीं पी है. चलो विश्व सेकंड इफेक्ट बेटा. ड्राइंग. वेरी गुड. और ड्राइंग किस में आता है? पर्सनल. नेक्स्ट. यस बेटा. सर एक बार रिपीट क्वेश्चन कर दो ना. हाँ विड्रीव गुड्स रुपीज 500 फॉर पर्सनल यूज. 500 रुपए के गुड्स घर पे लेके गए. तो गुड्स गए इसीलिए एक 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 आएगा परचेज जो रियल होता है. सेकंड घर पे लेके गए तो आएगा ड्रॉइंग्स जो पर्सनल होता है. नेक्स्ट गुड्स ऑफ रुपीज 1000. गुड्स ऑफ रुपीज 1000 बर्नड बाय फायर. गुड्स ऑफ रुपीज 1000 बर्नड बाय फायर. फर्स्ट इफेक्ट यात्री ट्राई करेगी बेटा. यात्री फर्स्ट इफेक्ट. सर परचेस रियल. वेरी गुड. आर्ची सेकंड इफेक्ट बेटा. आर्ची सेकंड इफेक्ट. परफेक्ट. अगर गुड्स जल गए तो ये आपके लिए क्या हुआ आर्ची? सर लॉस. यस लॉस. लॉस बाय फायर ऐसा लिखेंगे बेटा. आर्ची लॉस बाय फायर किसमें आएगा बेटा? पर्सनल रियल के नॉमिनल? पर्सनल. हाँ नाम है किसी का लॉस बाय फायर? सर नॉमिनल. हाँ नॉमिनल. नेक्स्ट गुड्स ऑफ रुपीज 1000 स्टोलन अवे. गुड्स ऑफ रुपीज 1000 स्टोलन अवे चोरी हो गए. अभिषेक फर्स्ट इफेक्ट बेटा. सर परचेज रियल. यस गुड्स चोरी हो गए. परचेज रियल. सेकेंड इफेक्ट ट्राई करेंगे ऐशा. ऐशा सेकेंड इफेक्ट बेटा.
स्टोलन नॉमिनल लॉस बाय थेफ्ट ऐसा लिखेंगे उधर एंड इट इज नॉमिनल नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करो गुड्स ऑफ रुपीज 1000 स्टोलन अवे 1000 रुपए के गुड्स चोरी हो गए तो गुड्स गए इसीलिए फर्स्ट इफेक्ट परचेज विच इज रियल एंड सेकेंड गुड्स चोरी हो गए मतलब ये अपना लॉस है तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट विच इज नॉमिनल नेक्स्ट रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम Received order from Kajal stores to supply goods of rupees 5000. Received order from Kajal stores to supply goods of rupees 5000. रुद्र ट्राई करेंगे बेटा रुद्र वेरी गुड तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया बेटा कि नॉन इकोनॉमिक पे कभी भी फर्स्ट सेकंड नहीं आता नॉन इकोनॉमिक इज नॉन इकोनॉमिक बस ऐसा लिख देंगे नेक्स्ट मस्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं ये कौन दिमाग लगाता है रिसीव्ड गुड्स ऑफ रुपीज 500 is free sample. Received goods of rupees 500 as free sample. 500 की goods free में मिले. Drumi try करो ना बेटा. Drumi. Yes, try करो बेटा. Sir, purchase ना free है ना. Free में मिले हैं. Sir, received goods. नहीं और कोई ट्राई करना चाहेंगे बच्चों इट इज ओपन टू अस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तब हो बेटा जब हम किसी को सैंपल मिले ये तो हमको मिले हैं बेटा हमको फ्री में मिले हैं तो हमारा तो प्रॉफिट हुआ ना नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट क्योंकि हमारे वाले तो कुछ पैसा गया ही नहीं ना बेटा इट इज नॉन इकोनॉमिक क्योंकि आपको गुड्स फ्री में मिले सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना रिसीव्ड गुड्स ऑफ रुपीज 500 एज फ्री सैंपल रिसीव्ड गुड्स ऑफ रुपीज 500 एज फ्री सैंपल 500 रुपए के गुड्स फ्री में मिले हैं बेटा हमने कुछ पैसा तो दिया ही नहीं तो इसीलिए ये हुआ नॉन इकोनॉमिक नेक्स्ट परचेज्ड साइकिल ऑफ रुपीज 10,000 एंड गेव गुड्स अगेंस्ट इट परचेज्ड साइकिल ऑफ रुपीज 10,000 एंड गेव गुड्स अगेंस्ट इट ध्रुमी ट्राई करिए बेटा फर्स्ट इफेक्ट ध्रुमी यस सर सब परचेस रियल नहीं परचेस क्यों पहले वो समझाओ सर साइकिल खरीदी ना तो साइकिल आएगा ना बेटा आपने साइकिल लिया तो साइकिल आएगा नाम पर्सनल साइकिल इज रियल साइकिल किसी का नाम थोड़ी होता है ध्रुमी सर साइकिल तो खुद की है ना नहीं तो साइकिल असेट हुई ना बेटा आप उसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा ना साइकिल इज रियल असेट है ओके ध्रुमी के बाद सेकंड इफेक्ट ट्राई करेंगी हेली हेली सेकंड इफेक्ट बेटा साइकिल ली और सामने गुड्स दिए बेटा हेली सेकंड इफेक्ट बेटा सेल नहीं परचेज गुड्स गए ना बेटा सेल तो जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं तब आता है बेटा जब गुड्स बिजनेस में से बाहर जाते हैं किसी भी फॉर्म में तो उसको हम लोग परचेज ही बोलते हैं बेटा And purchases real. चलो अभी ये मस्ट ट्रांजेक्शन लिखा हितांशी और जेनिफर के ऊपर है फर्स्ट एंड सेकेंड इफेक्ट sold shares of Reliance Limited
sold shares of Reliance Limited for ₹52,000. Hitanshi, first effect, bida. Bank real. Very good. Bank real. Jennifer, second effect. Sir, say. नहीं. क्या बेचा आपने, Jennifer? Reliance Limited shares. Shares of Reliance Limited. Sir. और ये एक सेकंड बेटा, ये किस में आता है जेनिफर? शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड लिमिट रियल 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 में आता है। यस बेटा, कोई पूछ रहा था मेरे से कुछ? सर इसमें सोल परचेज किया या सेल किया वो कैसे पता चलेगा? फिर वो लिखा पड़ेगा, लिखा था ना बेटा सो। अच्छा इसमें बोल रहे बेटा? नहीं वो वो हम लोग जब डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे ना बेटा, तो अभिषेक वहां पे वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। ओके सर, ठीक है बेटा, सो डोंट वरी। क्लियर हो गया स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स, हम लोगों का बेटा ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। यस तेजस, नहीं उर्वशी। हाँ उर्वशी बोलिए बेटा। सर इसमें है ना रिलायंस लिमिटेड का नाम भी तो है, तो फिर इसमें वो क्यों नहीं आया? आगे शेयर्स है ना बेटा, आगे शेयर्स है उर्वशी, तो शेयर्स किसमें आता है बेटा? रियल में। अकेला सिर्फ रिलायंस लिमिटेड होता ना बेटा तब वो पर्सनल में जाता, लेकिन शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड है तो वो हमेशा, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हो ना बेटा, तो वो क्यों लेते हैं कि थोड़े समय के बाद हम लोग उसको बेच के उसमें से पैसा कमाएंगे, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट इज लॉजिकली हमारी असेट होती है, और असेट मतलब कि रियल में जाता है। ओके बेटा उर्वशी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड। हाँ तेजस को कुछ पूछना है? तेजस प्लीज बेटा। नो सर। ओके डन स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है बेटा। सेकेंड चैप्टर में 3 स्टेजेस हैं, जिसमें पहला स्टेज था हमारा कैश क्रेडिट, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, स्पेशल ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सेकेंड पोजीशन थी हमारी, या सेकेंड स्टेज था, जहां पे हम लोगों ने टू फोल्ड इफेक्ट सीखा। अब स्टूडेंट्स जो तीसरा स्टेज है, जो हमारा डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स का स्टेज है। स्टूडेंट्स वेनसडे से लेके मैं 4 दिन आपके कंटिन्यूस लेक्चर लेने वाला हूं, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 4 दिन मैं लगातार लेक्चर लूंगा, क्योंकि मुझे इन 4 दिन में आप लोगों का ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स का टॉपिक कंप्लीट कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके बाद मैं 10 दिन बाहर हूं किसी सोशल रीजन से, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले मैं आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट करके जाऊं।